भारत ने बनाया दुनिया का सबसे ताकतवर बम जिसे नहीं रोक पाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत, अमेरिका छोड़ो, रूस के पास भी नहीं है इससे ताकतवर कोई बम। एक बार फटा तो 100 देश तबाह। भारत की यह ताकत देख पागल हो गई पूरी दुनिया। दोस्तों, एक बार फिर भारत ने वह कारनामा कर दिखाया है जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया। चीन, अमेरिका और रूस, हर जगह भूचाल आ गया है। भारत ने एक ऐसा बेहद एडवांस बम बना लिया है जो पूरी दुनिया को उड़ाने की ताकत रखता है। देखा जाए तो भारत एक के बाद एक एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ भारत के पास ही है, जिसकी वजह से भारत के डिफेंस हथियार को मार गिराना नामुमकिन हो रहा है। और भारत के हथियार की ताकत को देखकर पूरी दुनिया भारत के हथियार को खरीदने के लिए पागल हो चुकी है। कई देशों से भारत के लिए बड़े बड़े ऑफर रहे हैं और यह हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है। दोस्तों, भारत ने यह जो बम बनाया है उसका नाम है सेब्स 2। और यकीन मानिए, इससे ताकतवर इस धरती पर कुछ भी नहीं है। जी हां, नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में यह दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा पावरफुल बम है। यहां तक कि अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑनिल बम है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर नॉन न्यूक्लियर बम कहा जाता है, यानी कि दुनिया के ऐसे तमाम बम जो परमाणु नहीं है, उनमें जो सबसे ताकतवर था अब तक, वह अमेरिका का मदर ऑफ ऑनिल बम था। इसने उसे इतनी भयंकर तरीके से पछाड़ दिया है कि अमेरिका शॉक में चला जा चुका है। वहीं रूस की बात करें तो वह भी माथा पकड़े बैठा है कि भारत जो अब तक अपने 70 से 80 पर हथियार हमसे खरीदा करता था, आज इसने हमें पानी पिला दिया है। और यहां पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लगता होगा कि मदर ऑफ बम तो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उससे ज्यादा ताकतवर सेब एक दो नहीं हो सकता। लेकिन आज हम इस वीडियो में जो सबूत देने वाले हैं उसको देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर बात करें सेक्स 2 की, तो यह एक नॉन न्यूक्लियर बम है। उससे खास बात यह है कि इसे भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है, यानी कि इसे DRDO या फिर भारत की किसी सरकारी हथियार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने नहीं, एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया है। और इस हथियार की सबसे खासियत है इसका लेथलिटी रेट। दरअसल दुनिया के जितने भी बम होते हैं, चाहे वह न्यूक्लियर हो या नॉन न्यूक्लियर हो, उनकी ताकत मापने का तरीका होता है कि TNT के साथ उनकी जो लेथलिटी रेट एट है उसे मापा जाए। और यहां पर भी हम इसी फार्मूले के साथ इसे दुनिया के कुछ बिगेस्ट बम के साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। दरअसल सेक्स 2 बम की खासियत ये है कि इसका जो TNT के मुकाबले लेथलिटी रेट है वह दोगुना से भी ज्यादा है। ये कितनी बड़ी बात है। दरअसल अमेरिका का जो मदर ऑफ ऑनिल बम है, अगर उसके लेथलिटी रेट की बात करें तो उसका लेथलिटी रेट मात्र 1.2 पर है। जी हां, यानी कि लगभग 2 गुने से भी ज्यादा है इसका लेथ रेट। आप इसे ध्यान से समझना, वरना जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं वह आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप ऑन पेपर देखोगे, जो मदर ऑफ ऑन बम है वह ज्यादा तबाही मचाता है, क्योंकि अमेरिका ने उसकी साइज ज्यादा बड़ा करके रखा हुआ है। उदाहरण के लिए, अगर सेक्स 21 किलो का है तो मदर ऑफ ऑन एल्बम 5 या 5.5 किलो का है। भारत ने सेब 2 का साइज बड़ा नहीं किया है, क्योंकि हमारा जो काम है सेब्स 2 का, वह है मिसाइल से हमला करना। जो मदर ऑफ ऑल बम है उसे हेलीकॉप्टर या फिर बड़े प्लेन से जमीन पर गिराया जाता है। लेकिन अगर आप दोनों का वजन बराबर कर दोगे तो सेब्स 2 का भी और मदर ऑन ऑफ ऑल बम का, उस स्थिति में सेक्स 2 मदर ऑन ऑफ ऑल बम से दुगुनी तबाही। एमेगा, इसीलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अगर भारत सेक्स 2 का आने वाले समय में साइज बड़ा कर देता है और इसका एक नया वर्जन बनाता है जिसे आप प्लेन से या किसी हेलीकॉप्टर से गिराकर हमला कर सकते हैं, तो उस मामले में जो अमेरिका का मदर ऑफ ऑनिल बम है वह कहीं भी नहीं टिक पाएगा इसके सामने। इसीलिए लेथ रेट के मामले में यह दुनिया का सबसे ताकतवर बम है। इतना ही नहीं, कई लोग अब कहेंगे कि के पास भी तो है ATV IP, जिसे फादर ऑफ नल बम कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें, वह इस श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि वह जब फटता है यानी कि दुश्मनों पर हमला करता है, तो इसमें थर्मोबैरिक अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है,
इसलिए वह अलग कैटेगरी है। वह नॉन न्यूक्लियर बम की कैटेगरी में नहीं आता और यही कारण है कि भारत का सेब्स टू वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल बम है। इतना ही नहीं, आपको एक छोटी सी जान ये दे दें कि सेक्स दो से पहले भारत का जो मोस्ट पावरफुल बम था जो नॉन न्यूक्लियर की लिस्ट में आता है वह ब्रोस दो के ऊपर लगा हुआ था जिसकी कैपेबिलिटी थी 1.25 की, यानी कि मदर ऑफ ऑल बम के आसपास ही था। लेकिन सेक्स टू ने तो सबको ही बुरी तरीके से पछाड़ दिया है, इसकी कैपेबिलिटी तो नेक्स्ट लेवल की है। यही कारण है कि रूस, चीन या फिर अमेरिका सब शोक में है कि भारत ने इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वह भी एक प्राइवेट कंपनी के जरिए कैसे डेवलप कर ली। दोस्तों अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों भारत में इस समय संसदीय सत्र चल रहा है और इसी बीच काफी बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से निकलकर सामने आ रही है और जिस चीज का इंतजार भारत को वर्षों से था अब उस दिशा में आखिरकार भारत कदम उठाना शुरू कर चुका है। हम बात कर रहे हैं भारत के द्वारा खरीदे जाने वाले 114 फाइटर जेट डील को लेकर। अभी तक यह पूरी डील ठंडे बस्ते में पड़ी हुई दिखाई दे रही थी और इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट को झेलना पड़ रहा था, लेकिन अब इसको लेकर भारत की तरफ से काफी कुछ कहा गया है और कई तरह की नई डिमांड और शर्तें भारत की तरफ से रखी गई हैं। आपको बता दें कि जब भारत ने MRAF टेंडर निकाला था तो दुनिया की 6 बड़ी कंपनी इस डील को पाने के लिए सामने आई थी। इन कंपनियों में अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन जैसे देशों की कंपनियां डील को पाने की रेस में शामिल थीं। अब इस डील में एक बड़ी अपडेट आई है। भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदलकर 3 अहम शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि सभी 114 फाइटर जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। दूसरी, विमान बनाने वाली कंपनी को तकनीक ट्रांसफर करनी होगी। तीसरी शर्त यह है कि जिस भी देश को यह डील मिलेगी उसे भारत की किसी लोकल कंपनी के साथ काम करना होगा। जो भी इन तीनों शर्तों को मानेगा उसे यह डील दी जाएगी। भारत सरकार ने कुछ शर्तों को बदलते हुए नए नियम लागू किए हैं और जल्द ही टेंडर जारी करने वाली है। यह डील दुनिया की सबसे बड़ी फाइटर जेट डील मानी जा रही है। 2019 में इंडियन एयरफोर्स ने बताया था कि उनके कुछ जेट 2025 तक रिटायर हो जाएंगे, इसीलिए उन्हें नए फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है। 2020 में भारत ने इस पर टेंडर जारी किया था जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने रुचि दिखाई थी। इस डील का मूल्य 18 से 20 बिलियन डॉलर हो सकता है। आपका क्या सोचना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।